हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद नगियाल टेक्निकल हाउस टिप से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में ट्रेन का टिकट मोबाइल से बुक करने का तरीका कार क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है इसमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको घर बैठे अपनी ट्रेन का टिकट मिल जाएगा। आपको जाके लंबी कतारों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आराम से घर पे बैठे हुए आपको टिकट मिल जाएगा और वहां से ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो रिसेंटली जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने ऐप लॉन्च कर दी है, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करके बाकायदा लॉगिन करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका तरीकाकार मैं इंशाल्लाह भी आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले काइंडली ये मेरा चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकेंगी, आप उनको देख सकेंगे और कोई ना कोई अपडेट इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि वो तरीकाकार जो है वो क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर को आप खोल लीजिए। प्ले स्टोर को खोल के आपने यहाँ पे पाक रेलवे ऑफिशियल लिखना है। यहाँ पे आप पाकिस्तान लिखिए, पूरा पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान रेलवे RAILWAY। ये देखिए नीचे दोस्तों ये आ चुका है, इसको आप क्लिक करिए रेलवे ऑफिशियल। रेलवे ऑफिशियल आपने क्लिक किया, अभी आपके पास ये इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मौजूद है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों 5.5 MB की, ये देखिए 5.34 MB की एप्लीकेशन देखिए इमीडिएटली इंस्टॉल हो चुकी है। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होते ही आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे ये विंडो आपकी खुल जाएगी। ये विंडो खुलते ही यहाँ आपने मोबाइल नंबर डालना है, पाकिस्तान का मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपने पासवर्ड डालना है और आपका अकाउंट जो है ये लॉग इन हो जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है ये इंफॉर्मेशन तो यहाँ से आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करके, यानी अगर आपका पहले अकाउंट नहीं बना तो यहाँ से आपने साइन अप कर लेना है। यहाँ मैं साइन अप करता हूँ, ये मैंने अपना नाम दे दिया। अब नाम के बाद मैं यहाँ पे अपना नंबर दूंगा, 92 लगाना, आपने 00 नहीं लगाना। ये मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, ये मोबाइल नंबर मैंने अपना दे दिया। अब यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा, ये मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ। दोस्तों, ईमेल एड्रेस इसलिए आपने डालना है कि अगर आप इनकेस कुछ अपना मोबाइल नंबर भूल जाते हैं, रिकवरी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे आपने अपना जो आईडी कार्ड नंबर है, शिनाख्ती कार्ड नंबर है, उसका नंबर डालना है। यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड, शिनाख्ती कार्ड का नंबर डालना है। ये मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ। अब नीचे मैं पासवर्ड डाल दूंगा। पासवर्ड डाल के मैं टर्म्स कंडीशन पढ़नी है तो पढ़ लूंगा यहाँ से, अगर नहीं पढ़नी तो मैं साइन अप पे इसको क्लिक कर दूंगा। ये आपके पास मैसेज आएगा कि कोड आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी ईमेल पे सेंड कर दिया गया है, इस कोड को इंटर करिए। आप इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल का वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। ये मैंने अपना मोबाइल का कोड डाला। अब यहाँ पे नीचे मैं अपना ईमेल का कोड डालूंगा। तो दोस्तों, ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपका ईमेल का कोड आएगा ईमेल पे, वो कोड डाल के मोबाइल के और ईमेल के कोड को वेरीफाई करके आपने यहाँ पे फिर अपना जो ईमेल मोबाइल नंबर डाला है बाद में यहाँ से लॉगिन करने के लिए, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए। वो नंबर जब ये यहाँ पे आप डालेंगे ये नंबर आपने यहाँ पे डालिए, आप जो आपका पासवर्ड था वो पासवर्ड यहाँ पे डालिए। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों आप इसमें लॉगिन हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं वेलकम जाहिद चौधरी। क्योंकि मैंने इसमें जो ईमेल डाला था उस पे कोड आया, मोबाइल पे कोड आया और वो कोड मैंने डाल के इसको चूंकि लॉगिन कर दिया था तो फिर दोबारा मैं वो कोड नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने आपको जो है शॉर्ट में बताया कि ये आप दोनों कोड डालेंगे तो दोनों को ओके ओके करके वेरीफाई करके यहाँ पे अपना फिर पासवर्ड और ये डाल के अंदर चले जाएंगे। देखें दोस्तों, उसके बाद आप जो है यहाँ से टाइमिंग पे जाके क्लिक करिए।
यहाँ टाइमिंग पे आपको टाइमिंग मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ से पूरी जो भी आपने लेनी है रावलपिंडी की या किसी जगह की भी टाइमिंग लेनी है उसको क्लिक करिए, क्लिक करके ये यहाँ से आपको पूरी टाइमिंग मिल जाएगी। ये देखिए ये अगर आप कोई भी टाइमिंग सर्च करना चाहते हैं तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट टाइमिंग, अराइवल, डिपार्चर, हर चीज आपको जो है रावलपिंडी लाहौर पूरी यहाँ से आपको टाइमिंग मिलेगी जिस तरह की आपको टाइमिंग चाहिए होगी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ट्रैवल, ट्रैवल पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए ये विंडो खुलेगी आपकी। यहाँ जितने पैसेंजर आपने डाले हैं प्लस पे क्लिक करते जाइए, पैसेंजर बढ़ते जाएंगे। नीचे अगर चाइल्ड है कोई तो प्लस पे क्लिक करते जाइए, 3 से 10 साल तक चाइल्ड है तो वो भी इसमें ऐड होता जाएगा। माइनस पे करेंगे तो कम होता जाएगा, आगे यहाँ माइनस पे करेंगे तो कम होता जाएगा एक टिकट। यहाँ आगे डिपार्चर की डेट डाल दीजिए, कोई भी डेट डाल लीजिए, सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। आगे नीचे दोस्तों यहाँ पे फॉर्म डालना है आपने, यहाँ सर्च में आप लिख के शहर ढूंढ सकते हैं, मसलन रावलपिंडी में डालना है, इसको ओके कर दिया। आगे टू कहाँ जाना है आपने, लाहौर कर दीजिए, LAHO और ये लाहौर आपका हो गया, लाहौर कैंट कर लीजिए, इसको ओके किया। ओके करने के बाद प्रोसीड करिए, प्रोसीड करेंगे आप तो यहाँ ये सर्चिंग शुरू कर देगा एक पैसेंजर की 25 मई की रावलपिंडी से लाहौर कैंट की LRC जो है सर्चिंग इसने शुरू कर दी है। ये देखिए जितने ऑप्शंस हैं हमारे सामने आगे, AC बिजनेस, AC लोअर स्टैंडर्ड, AC स्लीपर, इकोनॉमी, पूरे जो है हमारे पास इसमें आगे जो आपने यहाँ से चूज करना है, जो मतलब लेना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करिए। ये आपको उधर AC लोअर स्टैंडर्ड उसकी प्राइस वगैरह हर चीज बताएगा। अगर आपने टिकट बुक करना है तो ये जो हैंड बना है इस पर क्लिक करिए, कोई भी टिकट आपने बुक करना है तो आगे प्रोसीड पे चले जाइए। प्रोसीड पे जाने के बाद जो है या इंडिविजुअल करिए या ग्रुप्स जो भी आपने करना है करके, ये देखिए आप यहाँ से कोई भी टिकट कूपन वगैरह परचेज कर सकते हैं। ये देखिए बुक, वैकेंट, सिलेक्ट, आपके सामने सारे ऑप्शन है। रेड में जो है ये बुक्ड है, वैकेंट जो है ये देख सकते हैं आगे, ये दूसरे कलर में वैकेंट है। आगे लास्ट में सिलेक्टेड जो है ये आप इस जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्टेड ये कलर बन जाएगा। तो दोस्तों ये एक सीट आपने बुक की, एक ही क्लिक कर सकते हैं, जो भी जैसी भी आपने लेनी है, प्राइस ऊपर लिखी हुई है। और इसको आप लेने के बाद बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका टिकट आपको आगे नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाएगा बुक करने के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दी, अपना और अपने साथियों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।